तो हेलो एवरीवन, दिस इज सो बिग एंड साथ में मेरे भैया है। सो अभी हम दोनों निकल गए, आज संडे है। सो हैप्पी संडे आप लोग को। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू लर्न ड्राइविंग इजीली। सो कैसे आप इजीली ड्राइव करना सीख सकते हैं। सो देखते हैं उसके साथ। और अभी पहुँचते हैं एक डेस्टिनेशन पे। हम लोग ने अभी एक खाली वाला प्लेस देखा, उधर पे चलेंगे, क्योंकि कार जब सीख रहे हो मिक्सी और आप कोई खाली ग्राउंड या फिर सड़क में ही जाइए। सो अभी मैं भी मेरे भैया से ही कार सीख रहा हूँ। अगर आप ट्रेनिंग स्कूल में कार सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके काम में नहीं आने वाला है। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो ये वीडियो आपका काम में आने वाला है। अगर आप खुद से सीख रहे हो, जैसे मैं खुद से सीख रहा हूँ मेरे भैया से, मैं कोई ट्रेनिंग स्कूल वूल में नहीं जा रहा हूँ। सो पहुँचते उधर पर, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और आई होप वो आपको हेल्पफुल होगा और आपके काम में भी आएगा। सो लेट्स गो, उधर पहुँचते सीधा, उसके बाद मिलते आप लोग से। स्टे ट्यून्ड। Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah. कार में आप पहले एंटर करने के बाद, ठीक है, जैसे आप कार में एंटर करें तो पहले क्या करना, आपका जो सीट बेल्ट है उसको आप पहले खींच लेना, क्योंकि बाद ऐसा था सेफ्टी पहले, मतलब कुछ भी हो जाए सेफ्टी फर्स्ट। तो उसके बाद ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग को बताइए, गियर बॉक्स है और इधर पे हर एक कार का अलग अलग होता है। तो मेरा स्टार्ट का जो जैसे की है, तो मैं की को इधर में पुट करूँगा। उसके बाद जैसे मेरा देखो अभी न्यूट्रल में है। सो मेन चीज़ जो है, पहले आप स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बता देता हूँ, ये गियर बॉक्स है, ये मेन गेम है कार का। जो ऐसे बाइक में हम लोग मतलब लेफ्ट हैंड से क्लच छोड़ते हैं, इसका भी सेम ऐसा इधर पे है। सो इधर पे थोड़ा फोकस करें। सो इधर पे देखिए, ये मैं क्लास दबा के रख रहा हूँ अभी, गियर बॉक्स अब लोग को सिखा रहा हूँ कैसे। सो ये देखो, 1 2 3 4 आर मतलब है रिवर्स वाला, जो पीछे वाला खींचता है। सो पहले आप लोग जब भी करें, ये फास्ट हो गया, ये देखो ये एक लिखा है, एक न्यूट्रल है, हल्का स्लाइड करिए लेफ्ट साइड में और सीधा ऊपर, फास्ट हो गया। फिर जैसे आपको सेकेंड गियर देना है, ये सीधा ऐसे ही पीछे खींच देना, सेकेंड हो गया। अब आपको देना है थर्ड गियर, फिर उसके बाद क्लास अभी पैर पर आप होल्ड करके रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा मिडिल पे रखिए और सीधा ऊपर, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब वापस आपको फोर्थ में लाना है, क्लच तो आपको होल्ड करके रखना ही है और सीधा आपको पीछे खींच देना है, फोर्थ हो गया। अब आपको देना है फिर से, समझ लो फर्स्ट गियर में, तो ऐसा करना, थोड़ा लेफ्ट में और सीधा ऊपर, हो गया फर्स्ट गियर। अब आपको देना है रिवर्स, रिवर्स वाला गियर पे, तो सीधा ऐसे लाओ मिडिल में, हर वक्त ये आपका मेन चीज़ होना चाहिए। फिर इधर से सारा ऊपर नीचे का गेम है, ठीक है, तो आपको देना है रिवर्स। तो इधर करो सीधा नीचे, ये हो गया रिवर्स। अब जैसे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, कार पीछे आएंगे। सो ये तो हो गया मेन ऑप्शन। अभी इधर पे एसी बैंड है, ये सब तो आप लोग को पता है, ये सब कॉमन चीज़ है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कार को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये देखो, अभी मेरा गियर में कर देता हूँ, आप लोग को दिखा रहा था, तो गियर में कर देता हूँ न्यूट्रल में, न्यूट्रल में है। अब न्यूट्रल में एक मतलब जो कार का सिस्टम है, न्यूट्रल में अगर कार रहेगा तो आप विदाउट क्लच और गियर के बॉक्स बिना भी, देखो मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, देखो ये स्टार्ट हो गया, अभी न्यूट्रल में था। अगर समझ लो गियर में है, ये देखो समझ लो ये आपका सेकंड गियर पे है, अब आपको स्टार्ट देना है और इधर पे आ थोड़ा फोकस करो। सो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड में क्लच है ये वाला, उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला है ब्रेक और ये है एक्सीलेटर, समझ गया। अब क्लच ब्रेक एक्सीलेटर ये क्या है, ये तो आप लोग को पता है, ये मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो ये क्लच दबाओगे जब गियर में है, अब ये देखो मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, हो गया। तो क्या करना, आपको सीट को आपके हिसाब से सेटिंग करना है, फिर आपको पहले फास्ट गियर, जैसे आप कार सीख रहे हो फास्ट गियर में देना है। अब देखो इधर पे फोकस करना, थोड़ा पैर पे, थोड़ा थोड़ा मैं क्लच छोड़ूंगा और कार थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखो थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा हूँ और कार भी आगे जा रहा है, ये देखो सामने दिखा आगे जा रहा है, देखो ये ऑटोमेटिकली जा रहा है। जैसे हम लोग का पेट्रोल गाड़ी हंडा आइटन है, तो इसका पेट्रोल इंजन है हम लोग का पास। सो ये बहुत पावरफुल होता है, मैं तो पहले एक चीज़ आप लोग को बताने जा रहा था कि पेट्रोल वाला इंजन जो होता है बहुत पावरफुल होता है डीजल से। सो ये देखो ऑटोमेटिकली जा रहा है,
ये आप हैंडल सीधा कर लो। अब देखो ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैंने अब पूरा क्लच, देखो कहीं पे भी कुछ नहीं है ना, मैंने पैर पे क्लच रखा ना, मैंने एक्सीलेटर रखा ना, मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। स्टीयरिंग मतलब ये सीधा है इसलिए। सो आप देखो ये सिर्फ आप स्टीयरिंग का खेल है। देखो अब आपको धीरे धीरे आपको जो गाड़ी का एरिया है ना, कितने एरिया में चल रहा है वो आपको डिसाइड करना है। वो वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे मेन चीज़ है कि आपका कार कितना एरिया लेके चल रहा है, वो आप लोग को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो होता है ना, ये सबसे मेन चीज़ होता है कि कितना एरिया में जाएगा, यही सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी ये दो, ये तो आप आराम से सीख जाओगे। जैसे इसे क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी आगे जाएगा, फिर आपको सेकंड गियर देना है। अब क्या है, सीधा क्लच दबाओ, पीछे खींचो, सेकंड गियर हो गया। अब सीधा फिर से छोड़, आराम से जाएगा। अभी आपको पेट्रोल गाड़ी में, मुझे डीजल गाड़ी का पता नहीं, पेट्रोल गाड़ी में आपको एक्सीलेटर में पैर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत पिकअप है। बाद इधर पे आता है ब्रेकिंग का। तो जैसे आप चल रहे हो ठीक है, जैसे आपकी रोकने की बारी आए तो आप पहले थोड़ा सा मतलब पावर जो है ना, गाड़ी का स्पीड को कंट्रोल कीजिए, कम में लाइए, उसके बाद क्लच पकड़िए, ताकि एक तो पेट्रोल भी कम खाता है और ऊपर से ही सही तरीका होता है। सो जैसे देखो ये, अब देखो जैसे मैं ये रास्ते में, हाँ सो अब मैं ये रास्ता में चल रहा हूँ। देखो आप गाड़ी है सेकंड गियर में, ठीक है, अब गाड़ी चल रहा है सीधा। देखो आप गाड़ी चल रहा है अभी सेकंड गियर पे, अब हमें रोकना है। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमारा लुकिंग ग्लास है उसमें से पीछे देखना है कि साइड में कोई है कि नहीं। उसके बाद हमको धीरे से ऐसा करना है और स्पीड कम करते करते हुए ये रोकना है, और ये फिर क्लच दबाओ और ये गाड़ी न्यूट्रल कर दो, बस हो गया। Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. Yo, हुआ ना सही है? So, आप लोग को भी कुछ सीखने मिला होगा। अभी आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे अभी। सो जो भैया ने मुझे ट्रिक सिखाया, हर कोई को ये जानना जरूरी होता है। एक तो जो ढाल में होता है, और एक होता है कि आप कहीं पे भी रुको तो पहले क्या करो सबसे। सो वो सब चीज़ बात करेंगे। सो पहले आप ढाल में मतलब कोई भी चढ़ाई में उड़ रहे हो, ठीक है, और उधर पर समझ लो कि आपको ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। तो चढ़ाई में उतर रहे हो, ट्रैफिक मिल गया, आपको रुकना पड़ेगा। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको जैसे आप ब्रेक लगा के रुक गए, उसके बाद हाल ही हाल आपको हैंड ब्रेक को ऐसे करके, ये जो है ये हैंड ब्रेक को आपको उठाना है, ये वाला हैंड ब्रेक जो है इसको ऐसे करके उठा देना है, बाकी आप खड़े रहिए। अब इसके बाद सबसे हार्ड वाला जो चीज़ होता है कि उसके साथ आप जैसे जाम चढ़ रहे हैं, मतलब जाम हट रहा है, आप चढ़ाई पे उतर रहे हो, ठीक है, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, अब इसके पीछे पीछे उतर रहे हो, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, कि ब्रेक पे पैर होगा और आपका क्लच पे पैर होगा, एक्सीलेटर पे तो पैर नहीं होगा। पहले पैर उठाना है क्लच से, उसके बाद एक पैर ब्रेक में रहेगा और एक पैर सीधा एक्सीलेटर में धीरे धीरे प्रेस करेंगे और हैंड ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ेंगे, यही काम है। आप हुट कर मतलब अचानक से आप ब्रेक को मत छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले आपको आराम से क्लच छोड़िए और उसके बाद एक्सीलेटर दीजिए और एक पैर को हमेशा ब्रेक में रखिए। तो ये हो गया चढ़ाई वाला। अब समझ लो हम लोग चल रहे हैं ऑन द वे, अब सिग्नल पड़ गया या फिर ट्रैफिक आ गया, तो आप रुक रहे हो आप मतलब थोड़ी टाइम के लिए, तो जैम में हो एक के बाद एक, तो आप उधर पर पहले ही मतलब जैसे स्टॉप करो, पहले की गाड़ी को पहले ही न्यूट्रल में कर दो। उसमें क्या होता है ना, उसमें फ्यूल कम कंजप्शन होता है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। बाकी आप सारे ही है, जब धीरे धीरे आप खुद जब ट्राई करोगे तो पता लगेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद जो कार सीख रहा हूँ ना, मैं ग्राउंड पे नहीं सीख रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब सड़क पे ही सीखो, खाली वाला प्लेस है, पहले एक दो दिन ग्राउंड पे सीखो, ठीक है, उसके बाद सड़क पे आओ, ठीक है, एक मतलब जिस एरिया में ट्रैफिक कम है, लोकेलिटी कम है, उसमें जाओ, ऐसा वाला कोई सड़क पे सीखो तो अच्छा होगा, आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप सिर्फ ग्राउंड में यूं 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 राउंड लगाते रहोगे ना, तो मतलब समझ जाओ, अगर आप ग्राउंड में राउंड लगाते रहोगे तो सीखना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप सीख नहीं पाओगे, आपके ऊपर है, लेकिन अच्छा होगा जब आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हो ना, तब से वो चीज़ सबसे बढ़िया होता है। सो मैं भी इधर पर प्रैक्टिकली नॉलेज ही ले रहा हूँ भैया से, फिर चलेंगे दूर कहीं। सो बस इतना ही है, बाकी अगर आपको मुझे कुछ पॉइंट लगा तो आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगा। अभी देखते थोड़ा मैं खुद राउंड मारता हूँ इधर उधर, बाकी मैं अभी पार्किंग सीख रहा हूँ, पार्किंग करना उसको भी। अगर आपको पार्किंग करना सीखना है तो आप एक काम करना, मतलब कहीं भी एरिया में ग्राउंड पे भी हो सकता है, ईंटा होता है ना ब्रेक, उसको लगा देना, चार मतलब जो फोर व्हील्स होता है, चार चक्का होता है, उसके थोड़ा पास पास में लगा देना, बस आराम से फिर उसमें घुसाओ, रिवर्स करो, आगे जाओ, बस। तो यही सीन है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है अगले दिनों में।
सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, मिलते थोड़ी देर बाद. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. तो आप जब भी मतलब कहीं पे भी टर्न ले रहे हो या फिर कहीं पे भी रुक रहे हो, इंडिकेटर भाई जरूर से देना. क्योंकि मैं कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, किसी पे भी होता हूँ ना, मैं देता हूँ. ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो करते हो, मतलब जो लोग मेरे पीछे बैठते हो या जो लोग मेरा जान पहचान का हो, उन लोग को पता है. और जो लोग नहीं देता है, मैं उनको रोक के बोलता भी हूँ. ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है. अब देखो, सीधे जा रहे हो, आपको लेफ्ट या राइट पे जाना, ठीक है, आपने अचानक से मुड़ गया, तो समझ रहे हो ना. सो ये बात तो है. बाकी मेरे भैया से एक चीज़ पूछना था, उसने मुझे उस दिन बताया था कि तू डॉक्टर ड्राइव देख, उसमें देख के कार सीख जाएगा. सही है क्या? एक डॉक्टर ड्राइव बोल के कार का गेम है, ठीक है. तो वो बता रहा था कि उसमें देख के कार सीख गया उसने, मतलब उसमें ड्राइव कर करके ना. वो सही है मेरे लिए तो सही है. मैं वो बता रहा है कि इसने उसको चला चला कर सीखा है. लेकिन मैंने तो अभी तक कोशिश नहीं किया. फिलहाल मैं जस्ट मतलब फन के लिए आप लोग के शेयर कर रहा हूँ. जिसको जो है देखो, कोई भी कोई इसको देख के सीख लेता है, कोई उसको देख के. सो अपने अपने हिसाब से होता है. होप आप लोग का संडे अच्छा रहा होगा. सो लेट्स सी, अभी इधर पे सिग्नल में रुके थे हम लोग, और ये सिग्नल विग्नल भाई बहुत मतलब थोड़ा देख के चला, क्योंकि इधर उधर से बाइक वाले घुसेगा ही घुसेगा. ठीक है, तो थोड़ा नज़र अपना लुकिंग ग्लास में रखना. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो यू गाइस नो द ड्रिल. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू कॉमेंट शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय बाय, मिलते हैं अगली ब्लॉग पे. और आज फिर जाके मैं एक वीडियो शूट करने वाला, दूसरा वाला वीडियो, उसमें तो और मजा आएगा. ठीक है, वो वीडियो शायद से पहला आएगा या फिर ये वीडियो पहला आएगा, कुछ भी होगा. मतलब दोनों वीडियो अभी आएगा, अभी इस हफ्ते में दो तीन वीडियो आ जाएगा. ठीक है, टेंशन लेने का नहीं. ठीक है, तो सिर्फ चलते हैं घर अभी. आप लोग भी अच्छे से संडे मनाइए. और भी कुछ जानना या फिर कुछ मुझसे मिस हो गया, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहते आप लोग, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए. क्योंकि देखो, एक इंसान के पास सब नॉलेज नहीं हो सकता है, मैं भी मानता हूँ. ठीक है, तो हो सके तो मुझे भी कोई पॉइंट छूट गया तो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए. स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में.